नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। ग्वालियर में कांग्रेस ने नगर निगम आयुक्त को वार्डों में फैली समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने माया सिंह पर आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग वार्डों में फैली समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन मंत्री अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेसियों ने ज्ञापन देकर नगर निगम आयुक्त से समस्याओं के जल्द निराकरण करने की मांग की है। कांग्रेस नेता मुन्ना लाल गोयल कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने मांग की है कि कई वार्डों में सीवर पानी और सड़कों जैसी अनेक समस्याएं फैली हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को इन परेशानियों के साथ जीवन जीना पड़ रहा है। मोरार क्षेत्र में भी यातायात व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, जिससे वहां आए दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है। इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द सुधारा जाए। कांग्रेस नेता मुन्ना लाल गोयल का कहना है कि 16 पूर्व विधानसभा जिसकी विधायक मंत्री माया सिंह हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र में कई वार्डों में अनेक परेशानियां बनी हुई हैं, लेकिन मंत्री माया सिंह को उन क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान देने का समय नहीं है। तमाम सारे वार्डों में आज सीवर और वाटर की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। कई जगह नाले साफ नहीं हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हमने कहा है कि तत्काल जिन क्षेत्रों में नाले साफ नहीं हुए नाले साफ कराए जाएं, जिन क्षेत्रों में वाटर लाइन टूटी पड़ी है तत्काल बदली जाएं, जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन खराब है वहाँ बदली जाए, इस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया है। उसमें खासकर हमने मुरार क्षेत्र के अंदर जो यातायात व्यवस्था है उसको लेकर भी कहा है कि मोरहौली से लेकर और कालीब्रिज तक जो नदी है, नदी के दोनों साइड रिंग रोड बनाया जाए। नगर निगम आयुक्त ने कांग्रेसियों की मांगों को मानते हुए उन पर जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। वहीं कुछ समस्याओं पर विचार विमर्श करने के बाद उन्हें पूरा करने की बात कही। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।